हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं RRB LP एंड टेक्नीशियन CBT 1 का प्रीवियस ईयर पेपर 2018 वाला, जो कि 21 अगस्त 2018 Shift 1 का है, जिसमें कि मैथ, रीजनिंग, GK, GS इन सभी को देखने वाले हैं। सिर्फ करेंट अफेयर को हम लोग छोड़ देंगे। ये मेरा Part 1 वीडियो रहेगा 21 अगस्त 2018 का, क्योंकि इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस हुआ करते हैं, जो कि 75 क्वेश्चंस कराने में लगभग लंबा वीडियो हो जाता है, 2 घंटा के समथिंग। तो इसलिए मैं इसका आधा कराने वाला हूँ, लगभग 40 क्वेश्चन। तो आप लोग बने रहिए और देखिए। ये पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए इसको, करिए, देखिए क्या हो पाता है। हो पाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखिए कैसे करते हैं। 3 मीटर व्यास और 14 मीटर गहराई एक कुआं खोदा गया, ठीक, तटबंध बनाने हेतु इसमें से निकाली गई मिट्टी 4 मीटर चौड़ा, यानी चौड़ाई के वृत्ताकार घेरे के आकार में चारों तरफ फैला दी जाती है। तटबंध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कहने का मतलब आप लोग कुआं देखे होंगे, कुआं के ऊपर कुछ इस प्रकार से आप लोग एक तटबंध देखे हो, ये कुआं है, तो इस तरह से 4 मीटर ऊंचाई वाला, यानी कुआं का समझिए कि थोड़ा सा ये बढ़कर रहता है ऐसे, तो इस तरह से गिरा, तो कुछ इस प्रकार से, यानी इसमें से जो मिट्टी निकला वो मिट्टी के कुआं के चारों तरफ थोड़ा सा ऊंचा करके लगा दिया है। अब कुआं को देखकर समझ सकते हैं, ओके, तो चलिए करते हैं। तो इसका जो कुआं जिस समय खोदा गया उसका व्यास है 3 मीटर, 3 मीटर, ओके, और इसकी हाइट थी 14 मीटर, 14 मीटर, राइट। तो इसी का मिट्टी निकाला और इस तटबंध को बना दिया, तो इसका मतलब इसका आयतन और इस ऊपर का तटबंध का आयतन इक्वल होगा, है कि नहीं? तो हम यहाँ पर देखिए, इसकी जो त्रिज्या होगी इसको हम छोटी आर मानते हैं, और इसकी जो बड़े वाले की त्रिज्या होगी वह उसको हम बड़ी आर मान रहे हैं, बस समझिएगा, ओके, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब समझिएगा। तो यहाँ पर दोनों का आयतन को इक्वल करते हैं। ये जो आप फिगर देखा आपने वह किस आकार का था? बेलन का आकार का। तो कुआं का आयतन, कुआं का आयतन बराबर तटबंध का आयतन होगा, तटबंध का आयतन। आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगे तभी आप लोग शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन पहले आप देखिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या हमने जो करा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो निकाली गई, तो कुआं का आयतन क्या, इस हमने इस आर को हम जो है छोटी आर मान रहे, यानी इस व्यास को हम छोटी डी मान रहे थे, इससे जो आर बनेगा वह छोटी आर, तो कुआं का आयतन क्या होगा? पाए छोटी आर का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर इंटू एच। ये तटबंध का आयतन क्या बनेगा? तटबंध देखिए कुछ ऊपर से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, कुआं के ऊपर ऊपर से देखिएगा कुआं को, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो ये पहले वाला त्रिज्या ये छोटे आर बनेगी, और इसके बाद जो ये 4 मीटर चौड़ा होगा, ये दोनों मिलकर बड़ी आर बनेगी, यानी बड़ी आर कहने का मतलब यहाँ पर छोटी आर प्लस ये वाला त्रिज्या, यानी ये व्यास दिया है, तो यहाँ से ये छोटी आर क्या निकलेगा? 3/2, यानी यहाँ पर हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। बड़ी आर जो बनेगा ये वाला त्रिज्या 3/2 प्लस ये वाला 4, ये आपका बड़ी आर बन जाएगा, बड़ी आर 3/2। इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा? 8 × 3 = 11, 4 × 2 = 11/2, भी इनका जोड़ तो बनाना आता ही होगा, तो वही। तो इसका आयतन क्या होगा? पाए एच, इसका एच यानी कुआं का जो एच था, ये कुआं जो था
उस कुएं का एच को हमने एच वन यहाँ पर मान लेते हैं और इसकी एच को एच टू मान लेते हैं, ओके, इनटू बड़ी आर का स्क्वायर प्लस माइनस छोटे आर का स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। अगर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें, इतना बात तो आप समझ चुके हैं कि बड़ी आर क्या होगा और छोटी आर क्या होगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक। बड़े आर कैसे निकला, छोटी आर कैसे निकला, इस बात को आप लोग समझ लिए। तो पाए आर स्क्वायर एच वन और पाए एच टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? अगर नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा, और लिख भी देंगे तो तब पर भी काम चलेगा, ऐसे थोड़ा सा आसानी होगा। मेरी बात को समझ, यहाँ से हम अगर पाई पाई को पहले ही हटा दें तो अब बचा क्या, आर स्क्वायर एच वन एच टू, उसके बाद जो भी, यहाँ अब मान को पुट करते हैं। बड़ी आर तो हमने निकाल ही लिया था 11/2, ये हमने बड़ी आर निकाल दिया, छोटी आर का मान हमें दिया ही था, और हाइट हमें 14, एच वन का मान हमें दिया ही है, और एच टू हमसे पूछ रहा है। एच टू यानी जो तटबंध की ऊंचाई होती होगी, जो जमीन से थोड़ा सा ऊंचा दिखाई देता होगा, उसको हम तटबंध कहते हैं, उसकी हाइट हमसे पूछ रहा है, बात समझिएगा। तो आर आर वन का स्क्वायर नहीं, छोटी आर का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9/4, डायरेक्ट इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं मान को रखकर, ओके, क्योंकि जगह कम होने की वजह से हम एक ही में कर रहे हैं। हाइट कितनी दिया है, गहराई वह 14, गहराई बोले या हाइट बोले दोनों एक ही बात सेम है। एच टू हमें फाइंड करनी है, एच टू फाइंड करनी है, बड़ी आर का मान कितना, 11/2 प्लस छोटी आर का मान कितना, 3/2, बड़ी आर का मान 11/2 माइनस छोटी आर का मान 3/2। देखिए यहाँ पर हमने इस चीज को ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग कहीं फार्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला, वही चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। ए के जगह पे आर बड़ी आ रहा है और बी के जगह पे छोटी आ रहा है, इतना। तो यहाँ से ये 9/14, 14 बोल रहे हैं, 9/4, 9/4 गुना 14 बराबर एच टू, इसको हल कीजिएगा, 11 × 3 = 14/2, इसको हल कीजिएगा, 11 × 3 = 8/2, भिन्न का जोड़ घटाव तो आप लोग जानते होंगे, इतना बात तो फिक्स है। ये 14 14 खत्म, ये 2 × 2 = 4, इस 4 से खत्म। तो यहाँ से समझिएगा इधर क्या बचा, एच टू और गुना आठ, और इधर क्या बचा, 9, इधर 9 बचा। तो एच टू बराबर क्या निकल कर आया, 9/8। ये अच्छा क्वेश्चन था क्षेत्रमिति का। तो एच टू हमें तटबंध की हाइट ही हमसे पूछ रही थी, तो ये 9/8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था दोस्त, इस तरह के क्वेश्चन को करना चाहिए। देखिए मात्र कितना प्रतिशत लोग इस क्वेश्चन को सही किया है, देखिए 14% लोग, बात समझ रहे हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, चलिए नेक्स्ट इसको मिटा दें। चलिए इसको इसको नहीं, मैथ ही क्वेश्चन को लेते हैं पहले, फिर ये सब करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। जेरेमी अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, 8 वर्ष पश्चात उसके पिता की आयु उसकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी। तो जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी है, जेरेमी की वर्तमान आयु कितनी है, एक जेरेमी है उसका कोई पिता है, ठीक। हम लोग वो वाला विधि से नहीं करेंगे, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, यहाँ शॉर्टकट हम यूज करेंगे। तो यानी जेरेमी की उम्र अगर एक्स वर्ष मान लिए तो पिता की उम्र कितना होगा, एक्स प्लस 26, बात समझ रहे, क्योंकि पिता 26 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पश्चात, ये वर्तमान उम्र है, ये क्या है,
वर्तमान उम्र समझिएगा, 8 वर्ष बाद हम निकालते हैं उम्र, 8 वर्ष बाद ही ना कहा है, पश्चात मतलब क्या, बाद 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष इसमें जोड़ेंगे तो जेरेमी का उम्र क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 होगा कि नहीं, और ये समझिएगा इसे हमने घेर दिया, ये जेरेमी का है, इसमें 8 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस 26 प्लस 8, 8 वर्ष बाद ये होगा, तो ये दोनों का 8 वर्ष बाद की आयु निकल गई, 8 वर्ष बाद की आयु निकल गई, यानी ये जेरेमी एक्स प्लस 8 वर्ष का है 8 वर्ष बाद में, और ये एक्स प्लस 26 8 34 वर्ष का, यानी ये पिता की उम्र है। जो बोल रहा है प्रश्न अनुसार में कि 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु के दोगुने से 2 वर्ष कम हो जाएगी, यानी पिता की आयु किसके, इसके आयु किसे, पिता की आयु जो एक्स प्लस 34 है, पिता की आयु, इसकी जो आयु है जेरेमी की उम्र की दोगुनी से, यानी एक्स प्लस 8 का 2 गुना से 2 वर्ष कम हो जाएगी, 2 वर्ष कम हो जाएगी, तो मेरी वर्तमान उम्र कितनी है, जेरेमी की वर्तमान आय उम्र कितनी है, यानी ये पूछ रहा है एक्स का मान, बस इसको सोल्व कीजिए आसान हो जाएगा। प्रश्नानुसार था ये, क्या था प्रश्नानुसार, जो प्रश्न कह रहा था तो इसको सोल्व कीजिए, जो एक्स का मान आएगा वही आपका आंसर होगा, तो ये एक्स प्लस 34, ये 2x प्लस 2 8 या 16 माइनस 2, ये तो इसको और ज़्यादा हल कीजिएगा तो x माइनस 2x, और इधर 16 दो गया 14, और इधर 34 जो है ये माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस x बराबर क्या बचा, माइनस का 20, तो माइनस दोनों साइड तो कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 20 वर्ष, और एक जेरेमी का उम्र वर्तमान उम्र कितना है एक्स, तो यही हो गया आंसर हमारा 20 वर्ष। ओके, तो देखिए ये सब सिर्फ लैंग्वेज का खेल है दोस्त, लैंग्वेज समझ लिए तो क्वेश्चन बन जाएगा है कि नहीं, और इसे आप प्रैक्टिस के तौर पर भी ले सकते हैं दोस्त। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बनाइए कीजिए, देखिए, जब घड़ी में शाम के 6 बज रहे होते हैं तब घंटे की सुई पूर्व दिशा की ओर होती है। चलिए पहले एक घड़ी बनाते हैं, 12 6 3 9, ये घड़ी है, ओके बात समझ रहे, ये घड़ी है। तो जब 6 बज रहा है, शाम का 6 बज रहा है, यानी 6 बजने का मतलब कि घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट की सुई यहाँ होगी, तो ये दिशा जो बता रहा है ये पूर्व बता रहा है, क्या कह रहा है, ये पूर्व, तो इसका मतलब ये पश्चिम है, और जब ये पश्चिम है तो इधर उत्तर और इधर दक्षिण, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं। जब रात के 9 बजकर 15 मिनट, तो जब 9 बजकर 15 मिनट यानी कहने का मतलब घंटा का सुई यहाँ होगा और मिनट की सुई कुछ, घंटा का सुई कहने का मतलब कुछ इधर होगा थोड़ा सा हट के, और ये मिनट की सुई यहाँ पर होगी, क्या मेरी बात को ये घंटा वाला मोटा बना देते हैं, यहाँ होगी, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये मिनट की सुई दोस्त किस दिशा में है, ये मिनट वाला उत्तर की दिशा में, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर। ओके देख लीजिए है ना, तो इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, प्रश्न आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प को चुनिए, ठीक है, यानी इस जगह पर कौन सा फिगर आएगा, पहले ये फिगर फिर ये फिगर, ये फिर ये फिगर फिर ये फिगर, तो यहाँ पर इसी से रिलेटेड, क्योंकि इसी को सिर्फ उल्टा दिया और तीर को इस साइड कर दिया है, जस्ट देखिए इस फिगर को इधर उल्टा दिया और तीर को इस साइड कर दिया, यानी 180 डिग्री घुमाकर तीर को इधर, तो इसको भी
180 डिग्री ही घुमा दिया था, इसको भी 180 डिग्री घुमा दीजिए, तो ये फिगर तो नहीं हो सकता। 180 डिग्री घुमाने का मतलब जस्ट इसका उल्टा बन जाना, जस्ट इसका इसका ये मुंडी इधर है, इसका मुंडी इधर आ जाना चाहिए, है कि नहीं। ये वाला फिगर कुछ इस जगह पर आना चाहिए, तो जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो किस ऑप्शन में है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका, ये सब कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, हो जाएगा। चलिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। एक परिपथ में दो गुलाम आवेश एक बिंदु से दूसरे तक जाता है, यदि दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 5 वोल्ट है, तो क्या क्या कार्य बताइए। तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, W बराबर वी क्यू, यानी आवेश विभवांतर गुना आवेश, या आवेश गुना विभवांतर, यानी क्यू भी होता है कहीं कहीं लिखा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो W, V का मान कितना 5 वोल्ट, क्यू का मान कितना 2 कूलम, तो ये जाकर निकलेगा कितना 5 × 10 जूल। ये सब इजी क्वेश्चन होता है दोस्त, ये सब क्वेश्चन, लेकिन फिर भी देखिएगा कितना कम लोग मारा है। ये सब सूत्र वेस्ट होता है, सिर्फ फार्मूला पता है तो आराम से बनेगा, अगर नहीं पता है तो गुना भाग करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन नहीं पता होने पर अगर जानते हो तो ऐसा नहीं कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 57% लोग ही इसको सही किया है, इसका मतलब क्वेश्चन में है जान। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12, उनका लघुत्तम समावर्तक 72, यदि दो संख्याओं में एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये सब क्वेश्चन बिना देखे मारना चाहिए, बिना बनाए मारना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर जो बराबर होता है LCM इंटू SCF के बराबर होता है। क्या ये चीज़ आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, बिल्कुल पढ़े होंगे। तो फर्स्ट नंबर उनमें से एक संख्या हमको 24 दे दिया है, तो सेकेंड नंबर हमें निकालनी है, यानी सेकेंड नंबर हमें निकालनी है। LCM मेरे पास 72 है और SCF 12 है, तो ये 24 + 72, तो सेकेंड नंबर कितना आ गया 12 × 36। और यहाँ से आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे इन दोनों का गुना होगा और इससे भाग होगा, तो इसी से यहीं पे भाग लगा देते थे, ये 3 × 12 = 36, है कि नहीं डायरेक्ट आंसर। तो ये सब इजी ही होता है दोस्त। नेक्स्ट चलिए करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पैर में झुनझुनी लग गया आज दोस्त। 20 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं, ठीक, यह संयोजन 10 ओम के प्रतिरोधक से श्रृंखला में जुड़ा हुआ, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहने का मतलब एक कोई इस तरह से फिगर बना है, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा के, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा और फिर जाकर इसमें मिला, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ है, तो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। तो 20 ओम के दो समा प्रतिरोधक समांतर क्रम, यानी ये भी 20 ओम ये भी 20 ओम, और इसके संयोजन में, संयोजन श्रृंखला में ये 10 ओम का जुड़ा है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप समांतर पर वाला फॉर्मूला लगाइएगा, तो यहाँ पर समांतर प्रतिरोध वाला जो फॉर्मूला लगाइएगा, तो वन, अगर इसको हम R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं, तो इसको R3 मान लेते हैं, तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध पहले निकलेगा समांतर क्रम वाला, तो 1/R1 + 1/R2, यही ना, 1/R इक्विवेलेंट, यानी इन दोनों से कुछ एक प्रतिरोध बनकर निकलेगा इस जगह पर, है कि नहीं। तो यहाँ से R1 कितना 20, दूसरा R1 कितना 20 बराबर R इक्विवेलेंट, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको और ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा, तो 20 1 + 1 इधर 1/R इक्विवेलेंट,
तो यहाँ से आर सीधा इसको उल्टा दीजिए तो 20 बटे आर इक्वलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 20 बटे 2, यानी यहाँ से ये आर इक्वलेंट 10 ओम निकल गया, इन दोनों को मिलाकर 10 ओम का बन गया, यानी इस मिला जुला के कुछ इस प्रकार से अब फिगर बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से फिगर बन जाएगा, है कि नहीं। ये वाला 10 ओम का निकल गया, ये वाला 10 ओम का, और ये वाला ये 10 ओम का दिया ही है। अब इन दोनों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ना हो या संयोजन क्रम में, तो इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 10 2 10 10 20 ओम, है कि नहीं। 20 ओम डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ज़्यादा सोल्व करना है कि यहाँ से श्रेणी क्रम का क्या होता है, यानी ये पैरेलल में था आर पी, ये आर एस, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा अगर इसको इस हिसाब से इस फिगर में आर वन ये आर टू मान लें, तो ये आर वन प्लस आर टू, है कि नहीं, सीरीज कनेक्शन में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10। तो ये सब अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी का फेमस क्वेश्चन है। तो ये 20 ओम हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? देखिए दोस्त, ये सब क्वेश्चन जो है ना रिजल्ट बना देता है, स्टूडेंट का रिजल्ट बनाने में काम आता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत कम लोग भी करते हैं। चलिए पहले मैथ का ही सारा क्वेश्चन लेते हैं। मैं चलिए इसको निकालिए। कहता है युग्म अभाज्य नहीं है, युग्म अभाज्य नहीं, इनमें से जो कोई ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें कोई अभाज्य संख्या हमें दिखे, यानी भाज्य संख्या दिखेगा, है कि नहीं। इनमें से तो हमें एक ही बार में दिख गया 19 सते 33 से, है कि नहीं, एक दिख गया। ये सब नहीं कटेगा, देखिए ये किसी से कटेगा, ये सब अभाज्य नंबर है। इनमें से एक जोड़ा ऐसा है जो कि अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। बात समझ रहे हैं? आप कटा पिटा के देखिएगा। चलिए नेक्स्ट। छियासठ किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए आप समय बराबर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पर कुल दूरी अपॉन चाल, है कि नहीं, किस चाल से चला, तो ये लगा सकते हैं। तो कुल दूरी क्या होगा? एक तो 300 मीटर ये प्लेटफॉर्म, यानी एक और रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम यहाँ पर एक्स मीटर मान लेते हैं। तो कुल दूरी क्या बनेगा, समझिएगा मेरी बात को, कुल दूरी क्या बनेगा, 300 प्लस x, क्योंकि देखिए जब रेलगाड़ी टपेगी तो वह खुद की भी दूरी चलेगी प्लस प्लेटफॉर्म की भी दूरी चलेगी, तो दूरी ऐड हो जाएगा। ये रेलगाड़ी की लंबाई, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई, चाल कितनी, 66 किलोमीटर पर आवर। तो ये मीटर प्रति सेकंड में इसको लाना होगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा में, और ये सब मीटर में है, ये सेकंड में, यानी ये दोनों एसआई यूनिट में है, तो इसको भी एसआई यूनिट में लाना होगा। तो इसको मीटर को जो है किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, कि नहीं। तो ये जाकर बनेगा आपका 24 सेकेंड, तो ये समय बराबर 24 सेकेंड, कुल दूरी चाल और ये समय 24 सेकेंड हो गया। सब 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 कुछ चेंज। अब गुना कीजिए, गुना भाग करके कटा पटा के निकालिए। तो 300 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 24 गुना 66 गुना 5/18, 13 को गुना कीजिएगा तो यही ना होगा, इसको इधर से, इसको इधर से, इसके नीचे 1 डाल के गुना अगर करें तो ये होगा, होगा कि नहीं। तो ये 18 6 से 11 बार, ये 6 से 3 टाइम, ये 3 से 8 टाइम, तो 8 5 40 यानी 440। 300 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 8 5 40 गुना 11 कीजिएगा तो 440। तो यहाँ से x बराबर क्या निकल जाएगा, 440 माइनस 300, तो ये कितना बन जाएगा,
04 140 मीटर, एक्स कितना निकल गया 140 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में कोई जान नहीं होता है दोस्त, 84% लोग किया है तो इसका मतलब इजी ही है। देखिए, दिए गए तर्क पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि दिए गए कौन सा अनुमान निहित है। सरकार ने विज्ञापन जारी किया और जनता को यह सलाह दी कि वे सड़क के किनारे कुछ ना खाएं क्योंकि वो स्वच्छ होता है। ठीक, तो सरकार सड़क के किनारे विक्रेताओं का कारोबार बंद करना चाहती है, नहीं ऐसी उसकी कोई मंशा नहीं है, सिर्फ अवेयरनेस स्वस्थ यानी स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस फैलाना चाहता है। हो सकता है दुकानदार जो है अपना सेफ्टी के अनुसार बेचे, कांच वाँच लगा कर दुकान में बेचे तो फिर आदमी खाना पसंद करेंगे, तो ऐसा कोई नहीं होगा कि उसका कारोबार बंद करना चाहती है। नहीं, सरकार होटल के मालिकों को लाभ बढ़ाना चाहती है। सरकार कभी किसी को लाभ पहुंचाने की मंशा में नहीं रहता है, ना ही किसी को हानि पहुंचाने की मंशा में रहता है, लेकिन पता नहीं अभी के जो सरकार है ऐसा क्यों चाहता है कि किसी को बहुत ज़्यादा धन दे दें, कर्ज दे दें, किसी का दोस्त बनल रहे। सरकार जो है न्यूट्रल होनी चाहिए, जो कि अभी की सरकार नहीं है। क्या अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में बताइए, ये भी बताइए क्या इस सरकार से आप खुश हैं या नहीं। तो ना तो इसमें एक होगा अनुमान ना ही दो, बात को समझ रहे हैं, तो ना तो एक ना ही दो निहित है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, चलिए इसको लेते हैं, ये भी हो गया, ये चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये बेहद अच्छा क्वेश्चन है और दिखाएंगे बहुत कम लोग ये क्वेश्चन मारा है। चलिए देखिए, एक कण विरामा अवस्था से शुरू होने पर होने के बाद 20 सेकेंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। यदि वह पहले 10 सेकेंड में x1 दूरी और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर गति समीकरण से रिलेटेड है दोस्त। गति समीकरण देखिए कौन सा फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला आप लोग देख सुने हैं या देखे हैं या पढ़े हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ बिल्कुल पढ़े हैं। तो जब पहली दूरी तय कर रहा है तो 10 सेकंड ले रहा है, यानी x1 दूरी तय कर रहा है, x1 दूरी तय कर रहा है तो 10 सेकंड। मान लीजिए जब वह विरामा अवस्था से शुरू किया होगा तो प्रारंभिक वेग उसका u क्या होगा, जीरो। u क्या होगा, जीरो। क्या इस बात से आप सहमत हैं, जीरो मीटर। कोई भी सामान को अगर आप पहले फेंकते हैं तो वह जीरो सेकंड से स्टार्ट होता है उसका गति, या गाड़ी भी आप चलाना शुरू करते हैं एक्सलेटर देते हैं तो जीरो मीटर प्रति सेकंड से चलना शुरू होता है। तो प्रारंभिक वेग जीरो लेना है, क्या लेना है, जीरो। तो जैसे ही हम जीरो की बात आया तो यू तो जीरो और टी जो भी हो, पहले 10 सेकंड में, फिर हाफ, ए का मान तो दिया नहीं है, ए का मान हमें दिया नहीं है, टी स्क्वायर, टी कितना है 10 सेकंड, तो 10 गुना 10। क्या मेरी बात को समझ रहे, तो यहाँ से x1 बराबर क्या आएगा, ये तो जीरो बन गया तो ये 5 बार में यानी 50a क्या बना, 50a यानी मेरा कहने का मतलब समझिएगा, ये कोई दूरी बन जा रहा है तो पहले 10 सेकंड तक जो गया, 10 सेकंड में x1 दूरी गया जीरो से स्टार्ट किया तो x1, फिर अगले 10 सेकंड में वह x2 दूरी गया यानी पूरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो गया x2 दूरी गया, मेरी बात को समझ रहे हैं, तो टोटल 20 सेकंड में x2 दूरी गया है, तो वही पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो चलिए आगे करते हैं, तो एक तो ये आया, अब दूसरा पुनः लगाइए, s बराबर ut प्लस
हाफ 80 स्क्वायर, तो एस अब दूसरा दूरी क्या है, एक्स टू दूरी है, कितना है एक्स टू दूरी है, मेरी बात को समझने का किस कीजिएगा, एक्स टू दूरी है, तो यू तो जीरो रहेगा, प्रारंभिक वेग क्या यहीं से स्टार्ट हुआ है, जीरो रहेगा, टी 20 सेकंड लेना है क्योंकि 20 सेकंड में एक्स टू दूरी गया है, 10 10 20 सेकंड में, प्लस हाफ ए का मान हमें पता नहीं, टी का मान 20 सेकंड यानी 20 गुना 20 तो ये 10 टाइम, तो यहाँ से एक्स टू जो निकल कर आया ये जीरो, तो 20 टंग 200 ए, ठीक। अब इतना आ गया, ठीक है, इतना आ गया, तो इन दोनों से दोनों को कहने का मतलब एक्स टू और दो एक्स वन से संबंधित, यहाँ से यहाँ तक दूरी एक्स वन गया, तो इधर कितना दूरी बचा, ये जो दूरी है टोटल यहाँ से यहाँ तक जो गया एक्स टू गया है, तो ये दूरी कितना है, ये दूरी कितना है, ये बात, तो इनमें से एक्स टू में एक्स वन को घटाएंगे तो कितना आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 200 ए माइनस 50 ए, यानी यहाँ से एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर 150 ए, क्या ये बात को समझ रहे हैं, यानी ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वह कितना है, 150 ए है, कितना है 150 ए है, यानी एक्स टू दूरी 150 ए है, बात समझ रहे हैं, तो अब जो हिसाब किताब लगेगा, यहाँ भी एक्स वन यहाँ भी एक्स टू यहाँ भी एक्स टू यहाँ भी एक्स टू एक्स वन, इसका मतलब इसी से रिलेशन होगा, कहीं ना कहीं ये जो दूरी निकल कर आया मेरी, देखिए फिर से ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, देखिए समझिएगा, यहां पर ये आपका दूरी x2 है, यह आपका दूरी x2 दूरी निकालना है, या ये टोटल दूरी है 20 सेकेंड में, ये टोटल दूरी, हमने यहां पर गलती कर दिया, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा, ये बनेगा एक्स टू दूरी, ये दूरी कुछ भी हो सकती है, टोटल दूरी कुल दूरी हुआ एक्स वन प्लस एक्स टू, तो हमको सिर्फ एक्स टू ये दूरी निकालना है जो कि 150 ए निकला, बात समझ रहे हैं, अब इन दोनों को इक्वल कर दीजिए, एक्स वन अपॉन एक्स टू बराबर एक्स वन का मान 50 ए और एक्स टू का मान 150 ए, ए से ए खत्म, ये कट गया, ये इससे तीन बार में, तो इसको और ज्यादा सोल्व कीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं चलिए ओके, तो ये तीन टाइम में कट गया, तो इसको और ज्यादा सोल्व कीजिएगा, तो थ्री एक्स वन बराबर एक्स टू, क्या ये चीज आया निकल कर, तो यहाँ पर आंसर कुछ इस प्रकार से, एक्स टू बराबर 3x1 जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, ये हमारा, थोड़ा सा इसको अगर नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा और पीछे करके एक आध बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट ये रीजनिंग का प्रश्न देखिए, चौस देखिए यहाँ जो रूट 64 है और इससे 9 बना है, इसका मतलब ये 8 इसमें एक जोड़ा 9, ये 9 इसमें एक जोड़ा 10, क्योंकि 81 का रूट कितना निकलेगा 9, रूट 81 का मान 9 होगा, 9 में एक जोड़ा 10, तो ये 6 में एक जोड़ता तो 7 होता, क्योंकि यहाँ पे अलग हो रहा है, यहाँ 11 में एक जोड़ा 12, बस इसका मतलब यही भिन्न है, यही अलग है, यानी रूट 36 8 ये आपका अलग हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए ये तो आपका
पुराना क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको देखिए, मैं पहले मैथ रीजनिंग करा रहा हूँ, उसके बाद जीके एक बार में पाँच पाँच से क्या कहते हैं 5 से 6 मिनट में सारा जीके कर लेंगे। जो इसमें मैथ रीजनिंग और फिजिक्स का न्यूमेरिकल वगैरह आएगा मैं उसको पहले करा दूंगा। 34, 51, 68 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? या तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर बना सकते हैं, या तो फिर तरीके से ही बना लीजिए, छोटा है, जरूरी नहीं है कि इसमें दिमाग ही लगाई। 34 है, कैसे भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों संख्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। ये 34 पहले आना चाहिए, 51 पहले, उसके बाद उससे कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर देखिए किससे कट सकता है, 17 से तीनों कटेगा, 17 चौके 17 तिया 17 दूनी, फिर 2 से 2 3 1, बस गुना कीजिए, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 गुना 17 कीजिए, यानी 17 गुना 12। अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिए स्मार्ट तरीका यूज कर सकते हैं, 7 दूनी 14, लास्ट में 4 आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है, एक नहीं पूरा गुना कीजिए, 204 ही आएगा, कर लीजिए आप लोग। ये हो गया नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी जो किसी से नहीं कटता हो? चलिए ये चीज तो दिख गया, ये किससे कट रहा है, 11 गुना 11, ये अभाज्य नहीं है, ये 7 या 21, 3 से कट रहा है, 4 2 6, हाँ 3 से ये कट रहा है, ये 3 से 3 चौके 12, 3 से 21, हाँ 47 गुना 3 है, ये आपका 7 या 21, 7 2 9, हाँ ये भी आपका 3 से कटना चाहिए, 6 7 1 8 57 3 47, ये देखिए किससे कट रहा है, 23 गुना 17 17 9, इसका मतलब ये 7 से कर 7 दूनी, हाँ 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 7 21, यानी 7 23 गुना 7 इससे कट रहा है, ये आपका किसी से नहीं कटेगा, यानी 3 कट गया तो मतलब ये कोई नहीं कटेगा, तो ये आपका 121 ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब क्वेश्चन बस सोचने पर है और कुछ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए इसका हमने पिछले वीडियो में भी सूत्र बताया था, या आप उसे ट्रिक कह सकते हैं जो भी हो, लेकिन हमने बताया था इस तरह के क्वेश्चन कई शिफ्ट में देखा गया है, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को जरूर कीजिए। 3:47 बजे घंटे और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए 2 कोनों में से छोटे कोण की माप कितनी होगी? ठीक, 3:47, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 11 गुने मिनट, पहले हिंदी में लिख देते हैं, 11 गुने मिनट / 2 माइनस घंटा / 30, या शॉर्टकट में हम सूत्र लिखे हैं तो 11 गुना am / 2 माइनस घंटा / 30, ये कोण निकालने के लिए है, घड़ी में जो कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 11 मिनट के जगह पे ये 3:47 है, ये मिनट है, 47/2 माइनस घंटा के जगह पे ये 3 जो लिखा हुआ है, 3 गुना 30, बस इसको सोल्व कीजिए, यही आपका कोण निकल कर आएगा, कोण जो निकल कर आएगा, तो इसको कीजिएगा 7 4 11 और 4 1 5, 517/2 माइनस 30 90, ये हमने शॉर्टकट गुना कर दिया है, आप थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, बस इसको हल कीजिए, 2 2 4 5 2 10 8 2 16
-90 और ज़्यादा हल कीजिए तो 5.8 15 9 6 1 168.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ये चीज़ नहीं होता, यहाँ पर हालांकि बोला गया कि छोटा कोण, वहाँ पे नहीं बोलता, सिर्फ बोलता कि कोण ज्ञात कीजिए। अगर ऑप्शन में 168 नहीं होता तब क्या करते, तब आपको कुछ नहीं करना था, जो भी निकला है आंसर उसको 360 में माइनस कर दीजिए। अगर ऑप्शन में ये सब 168 नहीं होता तो, और यहाँ पर ये छोटा कोण नहीं दिया रहता, बात समझ रहे हैं, जो भी कोण निकलता उसको आप 360 में माइनस कर देते हैं, वो आपका फिर आंसर आ जाता है। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको मिटा दें, चलिए इसको देखिए। कोशिश कीजिए अभी बनाने का। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर रूट साइन एक्स, तो टेन एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए मैं इसको बताता हूँ, पहले आप भी रोक कर कोशिश किया कीजिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर रूट टू साइन एक्स, यही है ना, हमसे 10x का मान पूछा है, यानी 10x बराबर वाट, ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पर क्या, थोड़ा सा समझने की कोशिश, साइन एक्स की एक्स से पूरे इक्वेशन को भाग दे देते हैं, इधर भी साइन एक्स से भाग दे देते हैं, इधर भी साइन एक्स से भाग दे देते हैं, ठीक, बात समझने का कोशिश कीजिए। तो साइन एक्स से भाग देने का मतलब इस साइन एक्स को भाग दीजिएगा तो 1, इस कोस को भाग दीजिएगा तो कोस एक्स बटे साइन एक्स, बात समझ गया, तो ये साइन एक्स कट गया तो बचा क्या रूट टू, और कोस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा, यानी कोट एक्स कह सकते हैं, बराबर रूट टू, यानी कोट एक्स बराबर रूट टू माइनस 1, ये 1 उठ कर उधर चाहे चल जाएगा, और कोट थीटा बराबर जो होता है वह 10 का उल्टा होता है कि नहीं, अगर इसको हम 1/10 लिख दें तो कम चल जाएगा, है कि नहीं, तो इसको अगर उल्टा दें तो ये 10 बन जाता है, 10 थीटा यानी एक्स है, तो एक्स तो इसको भी उल्टा दीजिए, 1/√2 - 1 इतना आया। अब यहाँ पर आप लोग हर परिमेयकरण कर दीजिए, क्या करेंगे कीजिएगा हर परिमेयकरण, क्योंकि ये आंसर तो है ही नहीं। देखिए हमने यहाँ पर 10x क्यों लगाया, क्योंकि आपने कहीं पढ़ा होगा कोट थीटा बराबर 1/10 थीटा, होता है कि नहीं, वही तो हमने यहाँ किया, बात समझ रहे हैं, वही चीज़ हमने यहाँ पर लगाया है। तो यहाँ पर 10x बराबर, हर परिमेयकरण करने का मतलब नीचे में जो है उसको ऊपर से ऊपर नीचे दोनों गुना कीजिए, सिर्फ चिन्ह चेंज करके, यानी रूट टू माइनस के जगह पे प्लस कीजिए और नीचे में √2 + 1। तो यहाँ a माइनस b कहने का मतलब ये ऊपर तो √2 + 1 हो जाएगा और इसको गुना कीजिएगा तो ये √2 √2 2, ये 1 × 1 - 1, तो ये क्या बना, ये घटकर 1 हो जाएगा, √2 + 1 ही बचेगा अपन 1, तो इससे मत नीचे वो एक रहे उससे कोई मतलब है नहीं, तो ये √2। थोड़ा समझने का कोशिश तो कीजिएगा दोस्त, थोड़ा आप सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी आपको ये इस तरह के वीडियो बनाकर दे सकूं। नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो फिर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा तो 4 दिन और बनाएंगे वीडियो फिर छोड़ देंगे, है कि नहीं, क्योंकि अगर हम इतने गर्मी में इतने फैन बंद करके रखे हैं दोस्त, सोचिए, ताकि नॉइस ना आए, और इस पर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मन को आहत पहुंचता है, बात समझ रहे हैं दोस्त, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपका एक सपोर्ट एक सब्सक्राइब एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ताकि
आगे और मैं वीडियो बना सकूँ। और इसमें देखिए आपका दोस्त कुछ लगता नहीं है, सिर्फ 0.1 सेकेंड लगेंगे बेल आइकन को दबाने में, सब्सक्राइब बटन को दबाने में, लाइक बटन को दबाने में। अगर पूरा तीनों चीज़ देखें तो 10 सेकेंड में कंप्लीट है कि नहीं? कोई पैसा लगा क्या? नहीं लगा। लेकिन हम जो कर रहे हैं, मेरा नेट भी जा रहा है, मेहनत भी जा रहा है, टाइम भी जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना? ऊपर से पसीना भी निकल रहा है। तो दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इस तरह के वीडियो बनाने में, इसे एडिट करने में, डालने में, नेट भी खर्च होता है, तो हर तरह से मेरा ही नुकसान है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अभी तू अभी मैं इसलिए आप लोग को दे पा रहा हूँ क्योंकि 5G अनलिमिटेड है और एक वीडियो कम से कम 5 GB में एडिट होता है जो आप तक पहुँचती है। भले आप लोड कीजिएगा तो 200-300 MB में हो जाएगा, लेकिन हमें अपलोड करने में 5 GB लगता है। क्या अगर ये 5G नहीं अभी अनलिमिटेड रहता तो मैं नहीं लोड कर पाता। तो थोड़ा अभी हमें समय है, अभी जब तक फ्री अनलिमिटेड है तो मैं बना रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसे मैं कंटिन्यू रखूँ, तो कम से कम उस फ्री के लिए, जो फ्री अगर बाद में बंद हो जाए तो उसके लिए तो हमें कॉस्ट लगेगी। उस कॉस्ट को पूरा कर सकें उसके लिए हमें कम से कम 2K तो सब्सक्राइबर तो चाहिए दोस्त, है कि नहीं? तो ये उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम 2K सब्सक्राइबर तो ज़रूर कर दीजिएगा। और लाइक ज़्यादा नहीं करते हैं, मांगते हैं कम से कम आप 500 लाइक आप ज़रूर कीजिए। 500 लाइक तक मेरी इच्छा है कि 500 लाइक तक चाहे हमारे वीडियो, उससे ऊपर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 कम से कम 500 होनी चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तस्वीर में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नीना ने कहा, यह मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी का बेटा है। तो नीना का उस लड़के से क्या संबंध है? अच्छा, नीना कोई लड़की है, उसने कहा मेरी ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी, ठीक है, इसकी माँ, और इसकी माँ की माँ कौन लगी? इसकी ग्रैंड मदर लगी नीना की, ये ग्रैंड मदर है, जीएम है, इकलौती बेटी का बेटा, यानी इकलो ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी, उसकी माँ, और इसका बेटा यानी नीना का भाई, ये लड़का है, नीना का भाई हुआ लड़का है, जिस लड़के की ओर इशारा कर रहा है। तो बताओ ये इस लड़का का नीना कौन लगी? नीना का हालांकि जेंडर नहीं दिया है कि नीना का जेंडर क्या है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर भाई रहता तो वो भी आंसर हो सकता था, या नन ऑफ दीज रहता तो भी आंसर है। क्योंकि ये जो नीना के बारे में बोल रहा है, इसकी कोई जेंडर का है क्या? कोई जेंडर बताया गया है क्या? नहीं बताया गया है इसीलिए। लेकिन ऑप्शन में जिस हिसाब से सेट किया गया है बहन, ये राइट है। क्यों? क्योंकि भाई तो है नहीं, तो एक ये जो भी होगा तो ये बहन ही होगा या भाई होगा, या भाई या बहन दोनों हो सकता है इस लड़का का, हो सकता है। लेकिन ऑप्शन में दिया तो नहीं ना है भाई बहन, सिर्फ बहन दिया है। क्या दिया है? बहन। तो इसका हम बहन आंसर मारेंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। चलिए ये रीजनिंग को बनाइए। रीजनिंग कहते हैं फिगर वाला समूह से संबंधित नहीं है, बस कुछ नहीं करना है, सब फिगर को देखना है। देखिए एगो अंदर में बंद वाला है, इसमें भी बंद वाला है, इसमें देखिए खुला में इवला घुसल है और इसमें बंद वाला में, तो इसका मतलब ये खुला में लाइन वाला तीनों एक साथ ना होना चाहिए, एगो बंद वाला होना चाहिए, एगो बंद वाला है, एगो बंद वाला है कि नहीं? देखिए ध्यान से देखिए सबको, इसमें भी देखिए इस तरह से जो लाइन है एगो बंद के अंदर है, इस तरह से जो लाइन है एगो बंद के अंदर है, इस तरह भी देखिए इसमें खुला में है और इसमें बंद में, इसका मतलब सी जो है वह अलग है, समूह से संबंधित नहीं है। ओके 33 अब देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ये सब दोस्त कॉमन सेंस लगा कर आप बना सकते हैं कि इसमें देखिए कौन सा फिगर बनेगा।
आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। इस तरह का फिगर किसमें आपको दिख रहा है? इस तरह का फिगर किसमें दिख रहा है? तो मेरे उम्मीद से तो इसमें तो ना दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, ये दोनों दिखे सटा दीजिए, दिया है तो कहीं ना कहीं इस तरह से सटा हुआ होना चाहिए था। इसमें इसमें हमें लग रहा है, अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये है कि नहीं, फिर ये, फिर इस पर ये, हाँ इसी में है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ओके, ये सब मात्र आप सोच समझ कर सकते हैं दोस्त। तो ये मैथ और रीजनिंग टोटल खत्म हो गया है। तो अब जो है चलिए हम लोग करते हैं जीके जीएस की ओर चलते हैं। ओके, देखिए निम्न में से कौन सा धातु उच्च तापमान पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो ये आपका चांदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ये भी कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, केरल में थुम्बा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। नेक्स्ट, संकेंद्रित अम्ल को पतला करने के लिए हमें डैश मिलाना चाहिए। देखिए इसमें जो ऑप्शन सेट किया है दोस्त, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। हमारे हिसाब से इसमें दो आंसर है। संकेंद्रित अम्ल को पतला करने के लिए हमें डैश मिलाने चाहिए। इसमें देखिए, पानी में संकेंद्रित अम्ल या संकेंद्रित अम्ल में पानी मिलाइए, क्या दोनों बात में कोई अंतर है क्या? या जैसे हम कहें कि स्प्राइट में आप पानी मिलाइए या पानी में आप स्प्राइट मिलाइए, दोनों बात में कोई अंतर है क्या? नहीं है ना। लेकिन इसका आंसर ये करवा रहा है, ऑप्शन नंबर डी करवा रहा है। क्या इन दोनों ऑप्शन में आपको कोई अंतर बुझा रहा है? अगर आपको बुझा रहा है तो बताइएगा, हमें तो नहीं बुझा रहा है। नेक्स्ट, इसको करा दिया है, ये भी हो गया। ये सब हो गया, हाँ। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल क्षार लवण और जल बनाने की प्रक्रिया अभिक्रिया करते हैं, तो आप लोग तो ये फार्मूला उदासनीकरण वाला नियम पढ़े होंगे, जिसमें आपका एक अम्ल आता है, फिर आपका एक क्षार होता है, एक क्षार होता है, ये फिर आपका जो बन जाता है NaCl, एक लवण बन जाता है, फिर जल होता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासनीकरण, उदासनीकरण है कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, उदासनीकरण। नेक्स्ट देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प के साथ रिक्त स्थान भरें। इथेनॉल को जहरीला, इथेनॉल को डैश जहरीला किया जाता है, यानी पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए, इथेनॉल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए जहरीला किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ये तो हो ही गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। मैंने पहले जो मैथ और रीजनिंग था उसको मैं हम लोगों ने कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विलिंगी पुष्प है? द्विलिंगी पुष्प है, तो इसमें आपका सरसों का जो पुष्प होता है वह द्विलिंगी होता है, अनिश द्विलिंगी पुष्प सरसों का हो जाता है। नेक्स्ट, इसको करा दिए, ये देखिए, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 mu है, यानी यूनिट है, तो 16 ग्राम सल्फर में मोलों की संख्या क्या होगा? यानी 32 ग्राम जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये द्रव्यमान कितना है? 32 ग्राम, और इतना बराबर एक मोल होता है, क्या होता है? एक मोल। तो 16 ग्राम बराबर कितना मोल होगा?
32 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 16 ग्राम बराबर कितना, आधा मोल। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट, विद्युत में प्रतीक आर किसे प्रदर्शित करता है, तो ये सब तो इजी है, प्रतिरोध को डिनोट करता है कि नहीं। नेक्स्ट, इससे जो है 20 अगस्त वाले शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, लेकिन उसमें जो कह रहा था कि किसी वस्तु को फोकस पर यानी अवतल दर्पण के फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, और इसमें कह रहा है कि वक्रता केंद्र पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन हम बताते हैं, अगर फोकस पर रहेगा तो वह इन्फिनिटी पर बनेगा, अगर इन्फिनिटी पर रहेगा फोकस पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये तीन कंडीशन आप लोग रट लीजिए, चाहे वह अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो, ये तीनों कंडीशन सेम होता है, ये बात आप लोग रट लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, बात समझ रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो करा ही दिया, ये भी हो गया, ये भी नहीं, ये नहीं हुआ था। देखिए ये भले ही 2017 का करेंट अफेयर है, लेकिन ये कहने का उपन्यास से रिलेटेड, और उपन्यास से रिलेटेड पूछ लेता है, चाहे कभी भी हो, लेखक राइटर का नाम कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे वह अभी का एग्जाम में दें, आज से 2 साल का पहले का या 2 साल का बाद का एग्जाम में दें, राइटर से पूछ दिया जाता है। तो इसलिए ये करंट होने के साथ साथ बाद के लिए भी जरूरी है। नो अदर वर्ल्ड के लेखक कौन है, नो अदर वर्ल्ड के लेखक राहुल मेहता। ओके, नेक्स्ट, इसका कोई मायने नहीं है, पढ़ लीजिएगा इसका आंसर है, क्योंकि ये खेल से रिलेटेड है। इसका भी हो गया, ये भी हो गया, ये वाला देखिए, रक्त में पाए जाने वाले डैश ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, तो आरबीसी करेगा, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, एफई लोह, है कि नहीं। लोह किस में पाया जाता है, लोहा आरबीसी में, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, आरबीसी। प्लाज्मा भी किसी ना किसी चीज का परिवहन करता है, प्लाज्मा भी अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, जैसे मान लीजिए आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और प्लाज्मा आपका जो अदर पदार्थ मिनरल वगैरह प्रोटीन वगैरह जो होता है वो प्लाज्मा से ही परिवहन करता है। प्लेटलेट्स ये आपका रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, WBC तो आप लोग जानते ही हैं, संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा RBC। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में अक्रिय गैस है, तो ये समूह 18वां जो है वह अक्रिय गैस है, हीना, नीना और करीना, जियो रणवीर, जियो रणवीर, ये ट्रिक है 18वां ग्रुप का, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं, हालांकि ये सब जितना भी हो 18वां समूह का है और ये अक्रिय गैस है, बात समझ रहे हैं, 18वां समूह। नेक्स्ट, पानी पानी कहते हैं पाचन के अंत में मुक्त होने वाली ऊर्जा डैश रूप में होती है, यानी मान लीजिए खाना पच गया तो आपके अंदर में जो ऊर्जा होगी वो किस रूप में होगी, रासायनिक फॉर्म में होगा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होगा, है कि नहीं। नेक्स्ट, ये तो हो ही गया, 168.5 ये हो गया है। नेक्स्ट, इस ये भी करंट अफेयर है, इस सब क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, हालांकि इसका ये आंसर होगा, पढ़ लीजिएगा ध्यान से,
नहीं भी पढ़िएगा तो काम चलेगा। चलिए ये हो गया। हाँ ये भी आप रीजनिंग के तौर पर इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। सुपर टैकल, रेडर, गेंदबाज, डिफेंडर, तो इनमें से भिन्न कौन सा होगा? तो इनमें से भिन्न जो है वह गेंदबाज है। इनमें से भिन्न गेंदबाज है क्योंकि इसमें देखिए सुपर टैकल, रेडर, डिफेंडर ये सारे के सारे कबड्डी से संबंधित शब्दावली है, कबड्डी से संबंधित शब्दावली है। बाकी बात गेंदबाज एक अलग मैटर है कि नहीं, यही भिन्न होगा। नेक्स्ट ये हो गया। तो ये पूरा 35 क्वेश्चन हम लोग ने आज किया, क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं दोस्त। इसके बाद 40 क्वेश्चन से बचेंगे, इसका पार्ट टू में कर लेंगे। तो ज़रूर दोस्त अगर आपको अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस भाई का भी आपका मदद हो सके। अगर मैं आपका मदद कर रहा हूँ तो आपका एक लाइक से हमारा मदद हो सकता है, एक सब्सक्राइब से हमारा मदद हो सकता है। हम आपसे ना कोई कॉस्ट मांग रहे हैं, ना कोई और कुछ मांग रहे हैं, सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर, बस इतना सा कर दीजिए, मेरा दिल गदगद हो जाएगा और मैं हमारे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। जस्ट जोकिंग। लेकिन देखिए दोस्त अच्छा लगता है अगर आप हमें हमारी मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा दिल से सुकून मिलता है, बात समझ रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं चलिए जो हमने मेहनत किया वो कहीं ना कहीं आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप ही में से उन लोग में से हैं जो कि अर्धनग्न फकीर सबको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे कहने का मतलब, आप लोग रील्स वगैरह देखते होंगे या तो बहुत सारे लोग यानी 5-10 सेकेंड के लिए आता है कुछ लड़कियां, कुछ थोड़ा मोड़ा अटका मटका के चल जाता है, देखिएगा 100K लाइक, 2 मिलियन सब्सक्राइब, गजब है दोस्त, वहां क्या मिल रहा है फिर भी वहां उतना कुछ, और जहां कुछ मिल रहा है दोस्त वहां सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा ये सब देखकर मन हरासित हो जाता है। तो प्लीज़ दोस्त जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, लव यू।